Pledge, I, Kamal, commit to the vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors. Need to always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Welcome to English grammar class. Today we will start our lesson, lesson number 19, present, past and future tense. You all know about the present, past and future. And remembers verbs tell us whether something is happening now, is present, has already happened, is past and is going to happen, is future. तो हमें सबको पता है कि जो अभी होने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हो रहा होता है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है उसे हम पास्ट बोलते हैं, जो अभी थोड़े टाइम में होने वाला है या हो सकता है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं. देयर आर थ्री टेंसेस फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. कितने टाइप्स के टेंसेस हैं? फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स टेल अस व्हाट इज हैपनिंग नाउ और एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और दैट आर परमानेंटली हैपनिंग. क्या है प्रेजेंट टेंस, कौन सी है वो हमें क्या बताता है? हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, और एक्शन दैट हैपन रेगुलरली होता है एंड दैट आर परमानेंटली हैपनिंग, जो कि परमानेंटली हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट. नेक्स्ट, रिमेंबर पास्ट टेंस वर्ब्स टेल अस व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड और एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. दिस कुड बी एट एनी टाइम फ्रॉम 5 सेकेंड अगो टू अ थाउजेंड ईयर्स अगो. तो क्या होता है, पास्ट टेंस वर्ब्स वो होते हैं जो ऑलरेडी हैपेंड हो सकता है. उसमें क्या होता है, टुक प्लेस, जो कि उसका एक्शन है वो क्या करता है, वो पास्ट होता है. वो जो है वो हमारा 5 सेकेंड पहले हो चुका होता है, वो भी होता है, और जो थाउजेंड ईयर अगो होता है, जो कि इतना पुराना भी हो सकता है, वो हमारा पास्ट में ही जाता है. नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस आर एक्शन दैट हैव नॉट हैपन येट बट विल हैपन इन द फ्यूचर. जो कि अभी तक नहीं हुआ है बट हमारे फ्यूचर में होने वाला था, जो आगे होने वाला होता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. इन फ्यूचर टेंस वी विल यूज़ विल. वी यूज़ विल इन फ्रंट ऑफ द वर्ब टू मेक इस फ्यूचर टेंस. तो हमें विल यूज़ करते हैं इसमें फ्यूचर टेंस में, किससे पहले? वर्ब से पहले. और हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ एस यूज़ करते हैं, और जो हमारी पास्ट में होता है उसके साथ हम ई डी यूज़ करते हैं, मतलब कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं उसकी वर्ब की. तो we have used the simple present, simple past and simple future. We can use these forms of verbs to be to construct the tenses. तो हम कैसे, base कैसा होता है? be, simple present tense में is am a, simple past tense में was were and simple future में will be and shall be. वो किसके साथ होता है? be के साथ, to be. तो fill in the blanks with the simple present form of the verbs in the brackets. जो कि हमें bracket में simple verb form दी है उसको change करना है according to sentence. I see many swans in the lake. Here see, तो see को हम sees नहीं use करते, क्या simple see ही रहेगा, क्योंकि see as a singular भी होता है और plural भी होता है. Mother dash herbs in the garden. Mother grows. नेक्स्ट, तरुण डैश हिज लंच टू स्कूल. कैरी, तो कैरी को हमने वाई को यूज़ करना है आई ई एस के साथ, तो इसका कैरीज बन गया. नायडा हर मदर इन द किचन हेल्प, हेल्प का हेल्प्स. दे डैश टू माय हाउस एवरी संडे. कम कम्स. टॉम पेंट द फैंसेस, तो पेंट को हमने एस के साथ पेंट्स, तो हम सिंपल पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस यूज़ करेंगे, वाई की प्लेस पे हम आई एस यूज़ करेंगे.
फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स इनटू देयर पास्ट फॉर्म. जो हमें यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दी गई है उसको हमने पास्ट फॉर्म में यूज़ करना है. पास्ट फॉर्म में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. विवेक होल्ड द किटन इन हिज आर्म. सो होल्ड को हमने हेल्ड कर दिया. द विंड ब्लो अवे द क्लोथ्स. गीता रोट अ लेटर टू हर पेन फ्रेंड. द टीचर चोज मी टू गिव द स्पीच. मनीष स्वैम ट्वाइस राउंड द लेक. विंध्या वॉन द टेनिस टूर्नामेंट लास्ट इवनिंग. गोपाल एट हिज ब्रेकफास्ट एट 8 in the morning. The swimmers were tired. Danny went skating with his friends. We told them the good news. Same. Fill in the blanks with the simple future form of the verbs in the brackets. जो कि हमें verb की form दी गई है उसको हमने simple future में use करना है. Simple future में हमें सिर्फ will और shall use करना है. तो यहाँ पे I fly. तो फ्लाई के हमने फ्यूचर में कैसा यूज़ करना था? विल. तो यहाँ पे विल. तो यही अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हमें सभी पे चेंज करना है. विल फ्लाई. विवेक विल ब्रेक द ग्लासेस क्लास इफ ही इज़ नॉट केयरफुल. माही विल गो टू द मार्केट दिस आफ्टरनून. फ्लावर्स विल ब्लूम इन स्प्रिंग. द बॉयज विल वॉच द मैच ऑन फ्राइडे. सैम एंड आई विल मीट द फेमस राइटर टू नाइट. वी विल स्पेंड अवर समर हॉलीडे इन देहरादून. भवन विल सबमिट हर होमवर्क टुमॉरो. नेक्स्ट दे विल मूव इनटू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ. माय मदर विल मेक सम कुकीज फॉर अस लेटर. तो हमने क्या इसमें क्या देखा कि हमने तीन सेंटेंसेस को यूज़ किया. प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में हमने क्या किया सिंपल फॉर्म को सिंपली रखा. उसमें सिर्फ एस एंड वाई की प्लेस पे आई एस. और पास्ट में हमने क्या किया वर्ब के फॉर्म को चेंज किया सेकंड फॉर्म में. और फ्यूचर में हमने क्या किया विल के साथ उसे यूज़ किया चेंज किया एज एज पर टू द सेंटेंस. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. Thank you. Have a good day.